चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल के अंदर मैंने ये बताया कि आप जानते हो कि उस व्यक्ति का सामान जो चोरी हुआ है वो कहाँ गया है, आप जानते हो कि उस व्यक्ति का जो सामान चोरी हुआ है वो आपके किसी जान पहचान वाले व्यक्ति ने किया है, और आप उससे ये गिफ्ट मांग रहे हो, आप उससे सामान के उसको सामान फिर से रिकवर करवाने के लिए आप उससे कुछ पैसे की मांग कर रहे हो। तो ये सेक्शन आप ही के लिए बना है। दिस सेक्शन इज इंटेंडेड टू अप्लाई टू समवन हु बीइंग इन द लीग विद द थीफ, हु बीइंग इन लीग विद द थीफ, यानी कि चोर से जान पहचान है आपकी, या मैं कहूं कि चोर को जानते पहचानते हो, उसके साथ मिली भगत है आपकी। रिसीव सम ग्रेटिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ हेल्पिंग द ओनर टू रिकवर द स्टोलन प्रॉपर्टी विदाउट एट द सेम टाइम यूजिंग ऑल द मेन्स इन हिज पावर टू कॉज द थीफ टू बी अप्रिहेंडेड एंड कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी चीज पता है यहाँ पे क्या है, कि अगर आप चोर को जानते हो, अगर आप चोर को जानते हो कि जिसने आपके सामने वाले पड़ोसी के घर पे चोरी करी है, तो आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप उस पड़ोसी से पैसे मांग के ये कहो कि मैं तेरा सामान रिकवर करवा दूंगा। आपका फर्ज ये बनता है कि जब वो आपका पड़ोसी पुलिस कंप्लेंट करे तो आप पुलिस की हेल्प करो चोर को पकड़वाने में, या फिर आप आपके पड़ोसी को लेकर उस चोर के अड्डे तक जाओ ताकि वो सामान रिकवर होने के लिए पुलिस की हेल्प ले सके। तो आप अगर जानते हो कि चोरी किसने करी है तो यू हैव टू यूज ऑल द मींस इन योर पावर टू कॉज द थीफ टू बी अप्रेहेंडेड, ना कि आप सामने वाले से ग्रेटिफिकेशन मांगो। बट अब चूंकि आपने चोर के साथ मिलीभगत करके सामने वाले से उसको चोरी का सामान रिकवर करवाने के लिए ग्रेटिफिकेशन मांग लिया, आपने सेक्शन 215 का ऑफेंस कर दिया। पहला इंग्रेडिएंट, टेकिंग और एग्रीइंग और कंसेंटिंग टू टेक एनी ग्रेटिफिकेशन अंडर प्रिटेंस और ऑन अकाउंट ऑफ हेल्पिंग एनी पर्सन टू रिकवर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। ये चीज समझना, यहाँ पे बात सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। यहाँ पे सबसे पहले चीज, यहाँ पे स्पेसिफिकली सेक्शन 215 में मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात लिखी है, मतलब आप जमीन जायदाद की रिकवरी के लिए कुछ करोगे तो वो सेक्शन 215 में पनिशेबल नहीं है। चीज यहाँ पे मूवेबल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी मस्ट हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इट बाय एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द पिनल कोड। और वो जो ओनर है उसके पास से वो प्रॉपर्टी कैसे गई है, उसके पास से वो प्रॉपर्टी गई है किसी ऑफेंस का शिकार होके, यानी पिनल कोड का कोई ऑफेंस हुआ है जिसके कारण उसकी वो प्रॉपर्टी चली गई, यानी कि चोरी के कारण चली गई, डकैती के कारण चली गई, एक्सटॉर्शन के कारण चली गई, रॉबरी के कारण चली गई, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी उसके पास से गई है ना, वो किसी पिनल कोड के ऑफेंस के तहत जाना चाहिए। यानी कि अगर बैंक वाले आपका लोन नहीं चुकाने के लिए आपकी प्रॉपर्टी को आपके घर से उठा के ले गए हैं तो वो आईपीसी का ऑफेंस नहीं है। तो वहां पे जो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास से जा रही है वो पिनल कोड के किसी ऑफेंस के तहत नहीं जा रही। यानी देखो मैं एक चीज बताता हूं कि आपके घर में आपने बैंक से लोन ले रखा था, आपने बैंक से लोन पे कोई कार वगैरह खरीदी और आप लोन नहीं चुका रहे हो, तो बैंक वाले आपकी कार को उठा के ले गए। जब बैंक वाले आपकी कार को उठा के ले गए उस वक्त आप घर पे नहीं थे, तो आपकी कार कहाँ चली गई आपको पता भी नहीं चला। अच्छा, मैं आपका पड़ोसी हूं, मुझे पता है कि कार आपकी बैंक वाले उठा के ले गए। आप हैरान परेशान होके इधर से उधर अपनी कार को ढूंढ रहे हो ये समझ के कि आपकी कार चोरी हो गई। मैं आपके पास आया और आपको कहता हूं कि मुझे 500 रुपये दे दो तो मैं बता दूंगा कि तुम्हारी कार कहाँ गई, मैं तुम्हारी कार तुमको दिलवा दूंगा, 500 रुपये मांग रहा हूं मैं तुमसे। अब क्योंकि मैंने तुमसे 500 रुपये मांगे ये बताने के लिए कि तुम्हारी कार कहाँ गई, तो क्या मैंने सेक्शन 215 का ऑफेंस किया? क्या लगता है आप लोगों को, क्या मैंने सेक्शन 215 का ऑफेंस किया? सोचो सोचो फटाफट सोचो, किया या नहीं किया तब बताओ। सर नहीं किया शायद, नहीं किया शायद, क्यों नहीं किया शायद का जवाब नहीं दीजिए। किया। ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ऑफेंस नहीं किया? सर क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टू डी कवर, लेकिन आप सर सिर्फ बता रहे हो कि वही गया है। नहीं, मैंने उसको वादा कर दिया रिकवर करवाऊंगा। हेल्पिंग एनी सर फिर पर्सन टू किया रिकवर, हेल्पिंग एनी पर्सन टू रिकवर, या सर फिर किया तो किया। लेकिन आप दूसरा यस इंग्रेडिएंट तो देख ही नहीं रहे हो, आप दूसरा इंग्रेडिएंट तो देख ही नहीं रहे हो जो मैंने मार्क किया है। द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी मस्ट हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इट बाय एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द पिनल कोड। दो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, उसके पास से वो प्रॉपर्टी क्यों छीनी है? आईपीसी के किसी ऑफेंस के तहत छीनी है वो प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी आईपीसी के किसी ऑफेंस के तहत नहीं छीनी है,
यहाँ पे वो प्रॉपर्टी बैंक वाले रिकवर, बैंक वाले उठा के ले गए हैं क्योंकि उनका लोन नहीं चुका है, तो यहाँ पे बैंक वालों ने कोई पिनल कोड का ऑफेंस नहीं किया है। तो 500 रुपए मांग के मैंने भी कोई ऑफेंस नहीं किया है, समझे बात को? और अगर कोई दूसरा ऑफेंस किया भी हो तो किया, लेकिन 215 का ऑफेंस तो नहीं किया है मैंने। अभी बात समझ में आई कि एक एक इंग्रेडिएंट की क्या वैल्यू होती है? आप समझो, अगर इंग्रेडिएंट वहां पे होना चाहिए तो वो ऑफेंस कहलाएगा, अगर कोई एक भी मिसिंग होगा तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ये जो इंग्रेडिएंट हम पढ़ते हैं ना, ये जो एक रेसिपी होती है, उस रेसिपी के जो अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं, इसको हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इनमें से अगर कोई भी एक मिर्ची मसाला छूट गया तो आपका वो खाना पक ही नहीं पाएगा, आपका वो ऑफेंस बन ही नहीं पाएगा। आई बात समझ में कि ये ऑफेंस क्यों नहीं है सेक्शन 215 का जो मैंने किया? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी उससे डिप्राइव हुई है वो पिनल कोड के किसी ऑफेंस के कारण डिप्राइव नहीं हुई है। और तीसरा इंग्रेडिएंट, द पर्सन टेकिंग द ग्रेटिफिकेशन मस्ट नॉट हैव यूज्ड ऑल मींस इन हिज पावर टू कॉज द ऑफेंडर टू बी अप्रीहेंडेड एंड कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस। और जो पर्सन वो ग्रेटिफिकेशन मांग रहा है, उसने अपने सारे मींस यूज नहीं किए, उसने अपनी सारी पावर यूज नहीं की जिससे कि वो ऑफेंडर को पकड़ा सके या उस ऑफेंडर को कन्विक्ट करवा सके, ये भी नहीं किया उसने। सीधे आके आपको कह दिया कि भाई मुझे इतने रुपए दे दो तो मैं बता दूंगा चोर कौन है, ठीक है? और सेक्शन 215 में आपको 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। चलिए 216 पे आते हैं। अब इट्स सेक्शन 216 अगेन, हार्बरिंग ऑफेंडर। हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी और हुज अप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड। किसी ऑफेंडर को छुपाना जो कि लॉफुल कस्टडी से भाग गया है या फिर जिसको पकड़ने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। इस सेक्शन के अंदर अगर आपको किसी के ऊपर ऑफेंस एस्टेब्लिश करना है तो आपको क्या क्या शो करना पड़ेगा, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट हम कह सकते हैं? फर्स्ट, देयर हैज बीन एन ऑर्डर फॉर द अप्रिहेंशन ऑफ अ सर्टेन पर्सन एज बीइंग गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। अप्रिहेंशन का मतलब होता है ढूंढना, उसको पकड़ना। किसी व्यक्ति का अप्रिहेंशन ऑर्डर आया है, जिसने कोई ऑफेंस किया है उसको पकड़ने के लिए कोई ऑर्डर आया है। The accused know that person, the accused know that order. किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट apprehension order आया है। Apprehension order का मतलब आप समझो कि उसको पकड़ने के लिए order release हुआ है किसी court से। और आपने उसको अपने घर में छुपा लिया। आप ये जानते हो कि उसको पकड़ने के लिए order issue है। इसमें वो वाले पर्सन भी आ जाएंगे जो लॉफुल कस्टडी से भाग गए। लॉफुल कस्टडी से भाग गए मतलब कि वो उस ऑफेंस में चार्ज थे, उसके लिए कॉन्विक्ट हो गए थे, लॉफुल कस्टडी में थे, वो वहां से भाग गए। जैसे कई बार आपने सुना होगा ना कि जब सजा मिल रही होती है, मजिस्ट्रेट साहब आज फैसला सुनाने वाले हैं, उनने फैसला सुनाया कि हम तुम्हें 3 साल के लिए सजा दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारे खिलाफ जुर्म था वो सिद्ध हो गया है। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि तुम्हारे खिलाफ जुर्म सिद्ध हो गया है, 3 साल की सजा हम तुमको दे रहे हैं, अपनी सजा के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कहो, तो कहा तो कुछ नहीं, उसने भाग गया। वो तो पुलिस वालों को धक्का मार के फटाक से। पुलिस वाले भी अपने देश के ऐसे अजीब है कि वो पकड़ ही नहीं पाते उसको। अभी रिसेंटली हमारे यहां से 2 कैदी भाग गए सजा के वक्त, मजिस्ट्रेट सजा दे रहे थे उनको, 2-2 साल की सजा दी, भाग गए धक्का मार के। एक रेप का ऑफेंस ऑफेंडर भाग गया था, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलने वाला था, वो भाग गया। तो ये जो ऑफेंस होता है ना, ये सेक्शन 216 में इसी का बनता है कि जिसको सजा मिल गई, यानी आज ही उसको सजा मिल रही है, कोर्ट ने ऑर्डर लिख दिया कि ये कॉन्विक्टेड है और वो लॉफुल कस्टडी में जाएगा, अभी भी लॉफुल कस्टडी में ही है, वो वहीं से भाग गया, तो इसको क्या कहेंगे कि द पर्सन इज कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस एंड ही वॉज इन लॉफुल कस्टडी बट ही एस्केप फ्रॉम सच कस्टडी। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। और उसको पकड़ने के लिए फिर अप्रिहेंशन ऑर्डर इश्यू हो जाता है कि उसको पकड़ो, ढूंढो उसको। तो ये वो व्यक्ति पे एप्लीकेबल है सिर्फ ये वाला सेक्शन। आपने क्या किया, आपने उस व्यक्ति को अपने घर में छुपा लिया। हार्बरिंग और कंसीलिंग द एक्यूज्ड ऑफ द पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम बीइंग अप्रिहेंडेड। और आपने उसको अपने घर में क्यों छुपाया, ताकि वो पकड़ा ही नहीं, ताकि उसको जो पुलिस ढूंढ रही है वो उसको पकड़ नहीं पाए। अच्छा, आप जब उसको अपने घर में छुपा रहे हो तो आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि वो इंसान भागा हुआ है लॉफुल कस्टडी से। ये नॉलेज आपको होना चाहिए, ये भी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। अब आप इस सेक्शन को कंपेयर कर सकते हो सेक्शन 212 से। और क्यों 212 से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि 212 में भी हमने आज ये पढ़ा था लेटेस्ट, हार्बरिंग द ऑफेंडर। बट क्या डिफरेंस है इस सेक्शन में और उस सेक्शन में? उसमें आप एक ऑफेंडर को हार्बर कर रहे थे, बट वो ऑफेंडर अभी कॉन्विक्ट नहीं हुआ है, उसने सिर्फ ऑफेंस कमिट किया और वो भाग गया। इन सेक्शन 212, द ऑफेंस ऑफ हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैव कमिटेड एन ऑफेंस एब्सकॉन्ड
एंड दिस सेक्शन जो हम अभी पढ़ रहे हैं डील्स विद हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी आफ्टर बीइंग एक्चुअली कन्विक्टेड और चार्ज्ड विद द ऑफेंस और हुज अप्रिहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड. वहां पे तो ऑफेंडर ऑफेंस करने के बाद भाग ही चुका है, एब्सकॉन्ड हो गया है, आप उसको अपने घर में छुपा रहे हो. लेकिन यहाँ पे आप किसको अपने घर में छुपा रहे हो, जो एक्चुअली कन्विक्ट हो चुका है या जिसके ऊपर एक्चुअली केस चलना शुरू हो चुका है या एक्चुअली जिसका अप्रिहेंशन ऑर्डर हो चुका है, आप इसके इसको छुपा रहे हो. आप वहां पे तो आप सिर्फ उसको छुपा रहे थे जो अभी पकड़ाई में आया ही नहीं एक बार भी, वो तो बस ऑफेंस करके भाग गया, उसको छुपा रहे थे. यहाँ पे तो आप उसको छुपा रहे हो जो कन्विक्ट हो चुका है या फिर जिसके ऊपर चार्ज बन चुका है, वो लॉफुल कस्टडी से भाग चुका है, आप उसको छुपा रहे हो. 214, 216 तब एप्लीकेबल होगा. दिस सेक्शन ओनली टेक्स इनटू कंसिडरेशन केसेस वेयर द मेन वेयर द मैन हु इज हार्बर्ड इज वांटेड फॉर एन ऑफेंस फॉर व्हिच अ मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ एटलीस्ट 1 year इंप्रिजनमेंट इज प्रोवाइडेड. एक चीज समझना, ये सेक्शन 216 सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस पे एप्लीकेबल होगा जिसपे कम से कम 1 साल का इंप्रिजनमेंट हो, क्योंकि 1 साल से कम के इंप्रिजनमेंट वाले पे तो कोई प्रोविजन बनाया ही नहीं इस सेक्शन के अंदर. मतलब कि जो व्यक्ति लॉफुल कस्टडी से भागा है या जो व्यक्ति जिसके ऊपर किसी ऑफेंस का चार्ज लगा है वो भागा है या जिसका अप्रिहेंशन ऑर्डर निकला है, वहां पे जो सेंटेंस है आपका वो कम से कम 1 साल का इंप्रिजनमेंट होना चाहिए उस व्यक्ति के लिए. उसने जो ऑफेंस किया है वो कम से कम 1 साल का ऑफेंस होना चाहिए और आप उसको छुपा रहे हो, तो आप सेक्शन 216 का ऑफेंस कर रहे हो. बट नो प्रोविजन इज मेड फॉर केसेस विच ही इज वांटेड फॉर ऑफेंस फॉर विच द मैक्सिमम सेंटेंस इज लेस देन 1 year. मतलब सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस पे एप्लीकेबल होगा जिनमें मैक्सिमम सेंटेंस कम से कम 1 साल का तो हो. अगर 1 साल से कम का मैक्सिमम सेंटेंस वाला कोई ऑफेंस है तो उस पर सेक्शन 216 का सवाल नहीं उठेगा. जैसे मान लो कि किसी ऑफेंस में सजा सिर्फ जुर्माना है 500 रुपए का, तो उस पर सेक्शन 216 एप्लीकेबल नहीं होगा. आप ऐसे ऑफेंडर को अपने घर में छुपा लो, कोई दिक्कत नहीं. या किसी में सजा सिर्फ 6 महीने की है, आप उसको भी अपने घर में छुपा लो, कोई ऑफेंस नहीं किया आपने, ये वाली चीज हो जाती है. ठीक है, आप इसको कैसे पता कर सकते हैं? आप इसको पता कर सकते हैं यहां से, जब आप पनिशमेंट लिखी है, आप जिस पर्सन को छुपा रहे हो जो एब्सकॉन्ड हुआ है, अगर वो कैपिटल ऑफेंस में एब्सकॉन्ड हुआ है, यानी कि वो लॉफुल कस्टडी से भागा है ना, अगर कैपिटल ऑफेंस में भागा है तो आपको 7 साल का इंप्रिजनमेंट और फाइन लगेगा अगर आप उसको छुपाओगे तो. ठीक है, और अगर वो जो एक्चुअली कन्विक्ट होकर भागा है, अगर वो लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years. यहाँ पे भी फिर से वही चीज याद रखना, विच में एक्सटेंड टू 10 years वाली बात क्या है, विच में एक्सटेंड टू 10 years का मतलब क्या है ये समझना आप. इंप्रिजनमेंट फॉर 10 years, ही शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 3 years. उस केस में आपको 3 साल तक की सजा मिल सकती है विद और विदाउट फाइन. मतलब या तो सिर्फ 3 साल की सजा मिल जाएगी, फाइन लगाया भी जा सकता है, नहीं भी लगाया जा सकता है. ठीक है, एंड इफ पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year एंड नॉट टू 10 year. अब ये 1 and 10 यहाँ पे कौन आ गया? यहाँ पे आ गया वो जिसमें आपको 1 साल तक का एक्सटेंशन तो मिलता ही है सजा के लिए, और नॉट टू 10 years मतलब मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो 1 साल तक का हो सकता है और 10 तक का नहीं. नॉट टू 10 मतलब 10 तक नहीं जाना है, मैक्सिमम 1 तक का होना चाहिए. तो इंप्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, या फिर फाइन या फिर बोथ. तो ये चीज समझ लेना कि जिन ऑफेंसेस में मे एक्सटेंड टू 1 year लिखा है, मे एक्सटेंड टू 1, सिर्फ वही सारे ऑफेंसेस इसके अंदर कवर हो जाएंगे. लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले तो हो ही जाते हैं, 10 साल तक के इंप्रिजनमेंट वाले तो हो ही सकते हैं, 10 साल से कम वाले जो एक्सटेंड टू 3, एक्सटेंड टू 4, एक्सटेंड टू 5 वो वाले भी हो सकते हैं, एक्सटेंड टू 1 वाले भी हो सकते हैं. बट जिसमें लिखा ही नहीं कि एक्सटेंड टू कितना, जिसमें मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 1 साल से कम हो, ऐसा कोई ऑफेंस जैसे कि ट्रिफलिंग एक्ट होते हैं, छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं बहुत ज्यादा, 200-200 रुपए के जुर्माने, 500-500 रुपए के जुर्माने, उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं. ठीक है, ये याद रखना. और इस केस में आपको सजा मिलेगी 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट जो भी दी. ठीक है, चलिए सेक्शन 216 ए पे आते हैं. पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डकैत्स. देखिए ये सेक्शन अलग से दिख रहा है आपको, 216A 1894 में अलग से रखा था इसको. और अलग से क्यों रखा था? एक स्ट्रिक्ट ऑफेंस बनाने के लिए, किसको? रॉबरी को और डकैती को. वैसे तो आप किसी को हार्बर करोगे, किसी ऑफेंडर को, तो आप 216 और 212 देखोगे. लेकिन अगर आपने हार्बर किसी रॉबर को या किसी डकैत को किया है तो आपको अलग से सेक्शन 216 में पनिश किया जाएगा, जिसकी सजा थोड़ी सी ज्यादा रखी. दिस सेक्शन इनेबल द कोर्ट टू इन्फ्लिक्ट एनहांस्ड पनिशमेंट वेयर द पर्सन हार्बर्ड आर रॉबर्स और डकैत्स और वेयर दे इंटेंडेड टू कमिट रॉबरी और डकैती. एक्सेप्शन अप्लाइज टू हार्बरिंग बाय हस्बैंड एंड वाइफ. अगेन यानी हस्बैंड वाइफ को करेगा, वाइफ हस्बैंड को करेगा, कोई दिक्कत नहीं. पनिशमेंट यहाँ पर रिगरस इंप्रिजनमेंट है जो कि 7 साल तक का हो सकता है, साथ में फाइन भी लगाया जाएगा. समझना, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट बहुत कम ऑफेंसेस है जिसमें आपको दिखाई देता है, वरना सब में ये लिखा होता है एनी टाइप ऑफ इंप्रिजनमेंट. उसमें कोर्ट कुछ भी दे सकती है, उनका डिस्क्रिशन है. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली रिग्रेस लिखा है, मतलब कोर्ट को रिग्रेस ही देना पड़ेगा, और वो भी 7 साल तक का एक्सटेंड हो सकता है, फाइन भी लगाया जाएगा.
तो ये सिर्फ और सिर्फ इनहेंस पनिशमेंट देने के लिए बनाया है रॉबर्ट्स और डकैत्स को, सेक्शन 216A. 216B जो है वो हार्बर की डेफिनेशन है, उसको आईपीसी ने रिपील कर दिया है। हार्बर की डेफिनेशन यहाँ पर रिपील कर चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से रिपील कर दिया उसको उधर डाल दिया 52A के अंदर। ठीक है, अब इसके आगे की चीजें हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, 217 से कल हम शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप एक बार ये सारी चीजें पढ़िएगा,